Hey guys, welcome back to another video. Guys, स्वागत है आपका एक और वीडियो में. Guys, आज हमारी वार, यानी कि आज हम तो हारने वाले हैं और काफ़ी मिसमैच हो रहा है अभी तक लास्ट के दो तीन वार से. और आज मैक्स TH13 लगभग सामने आया हुआ है, तो यहाँ पर 5-6 TH11 है. और नंबर वन का बेस देखें गाइस, 5-star TH13 है और स्कैटर शॉट्स भी हैं, तो यहाँ पर 3-star तो नामुमकिन है. तो लेकिन हम इस पर भी अटैक करेंगे और कोशिश करेंगे 2 stars की, वो भी एंड पे. तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार. अभी तक 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, वीडियो को शेयर करें गाइस. और अभी तक हमारी स्ट्रीक 28 की स्ट्रीक है और आज तो वॉर मैक्सिमम 99% चांसेस हैं कि हम हार जाएंगे ये वॉर. और ब्लैक लिट्स 74 के अगेंस्ट ये वॉर है और तकरीबन बाकी जो बीडी है सेम ही है. लेकिन जो TH13 है गाइस, वो तो आराम से नंबर वन और टू यानी कि टॉप के दो बेसिस पे इजली 3-star कर देगा. और यहाँ पर देखें गाइस, फर्स्ट अटैक आज हम करने वाले नंबर 4 पे. और यहाँ पर एक्सपोज ग्राउंड है और मैक्स भी नहीं है, तो ड्रैग अटैक तो इजी रहेगा. यहाँ पर ड्रैग अटैक से हम इजली 3-star कर पाएंगे इस पे नंबर 4 पे. और अगर हम देखें गाइस, यहाँ पर AD दोनों तरफ इन्फर्नो टावर के साथ है, तो यानी कि अगर हम जैप यूज़ करेंगे तो साथ में हम AD और दोनों AD और साथ में इन्फर्नो भी ले लेंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों इन्फर्नो ले लेंगे हम और चारों AD. तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, इजली 3-star तो हो जाना चाहिए. तो ड्रैग अटैक करने वाले हम, ये रहेगा प्लान गाइस. तो 3 o'clock से हम ड्रैग छोड़ेंगे और हमारे पास यहाँ पर CC में एक जैप लिया, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन, एक बेबी ड्रैगन, नाउ ड्रैग्स. तो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि TH13 पे हम बेस्ट अटैक करने वाले हैं. और गाइस अब अटैक करते हैं, तो पहले हम जैप यूज़ कर लेते हैं, तो इजीली हो जाएगा गाइस, ये तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि डिफेंस तो TH10 है. तो दूसरा इन्फर्नो भी ले लिया और साथ में दोनों AD, तो दूसरी तरफ भी हम 3 जैप और 3 इधर. तो गाइस इन्फर्नो भी ले लिया हम दोनों और साथ में AD भी, क्योंकि दोनों रेंज में थे. अब हम एक बेबी ड्रैग इस तरफ और दूसरी तरफ ड्रैग डिप्लॉय करते हैं ताकि फनल बने. गाइस सैप की वैल्यू काफ़ी अच्छी मिली है और 3-star तो हो जाएगा इसलिए. तो गाइस अब हम ड्रैग डिप्लॉय कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर अभी एक फ्रीज भी है, तो एक तरफ हीरोज, आगे किंग, पीछे क्वीन. और अब हम ड्रैग डिप्लॉय कर देते हैं, तो ड्रैग हमारे सीधा ईगल आर्टिलरी की तरफ आएंगे. स्टोन स्लैमर अभी तक डिप्लॉय नहीं किया हमने और देखते हैं, अगर इस्तेमाल यानी कि करनी पड़ी तो डिप्लॉय कर देंगे, वरना ज़रूरत नहीं है इस अटैक में. वार्डन एबिलिटी एक्सपोज भी ग्राउंड है, ये तो गाइस इजीली हो जाएगा 3 stars. तो स्टोन स्लैमर डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वीन भी अभी तक थी हमारी और एबिलिटी भी यूज कर ली गई. तो गाइस 3-star हो जाएगा, स्टोन स्लैमर हमारी हमने बचा ली. तो गाइस अब हम नेक्स्ट अटैक करने वाले हैं नंबर 3 पे, वो तो मैक्स है, तो उस पर भी हम ड्रैग अटैक यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद नंबर 1 पे और एंड पे आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि आज के वॉर का क्या होगा. गाइस मैक्सिमम चांसेस हैं गाइस कि वॉर हम हार जाएंगे.
तो गाइस ये हो गया 3-star अटैक। अब हम एक और अटैक करते हैं TH-11 पे। तो अभी तक 4 अटैक में 12 स्टार्स हो गए हमारे। नंबर 3 पे करते हैं, इस पे भी गाइस ड्रैग अटैक करते हैं। ये लगभग तकरीबन मैक्स है, उतना भी मैक्स नहीं है लेकिन फिर भी एडीज मैक्स है। इन्फर्नो, ईगल आर्टिलरी वगैरह सब मैक्स है। यहाँ पर गाइस 9 जैप्स, 7 सुपर गॉब्लिंस, 1 सुपर वॉल ब्रेकर, 9 ड्रैग्स, 1 आइस गोलम। तो प्लान बताएंगे आपको गाइस कि हम कैसे इस बेस पे अटैक करने वाले। 9 ड्रैग्स हैं, 1 बेबी ड्रैग, 5 लोन्स और 9 जैप, 1 रेज और 2 फ्रीज। तो सीसी में भी हमने गाइस इस बार तो स्टोन स्लैमर यूज़ करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रो ड्रैगन लिया हमने सीसी में। तो गाइस प्लान अगर हम देखें इस बेस पे तो सुपर गॉब्लिंस हम यहाँ पर जो डार्क एलेक्सियर स्टोरेज है यहाँ पर यूज़ करने वाले, और इस तरफ गोल्ड स्टोरेज पे भी, ताकि जो क्वीन है वो हीरोज हम डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले हीरोज के आगे हम आइस कॉलम डिप्लॉय करेंगे ताकि हम ये एडी ले पाएंगे और अपोनेंट क्वीन को भी। तो ड्रैग हमारे इस तरफ आएंगे सीधा आगे, तो ईगल आर्टिलरी की तरफ हम स्टोन स्लैमर डिप्लॉय करेंगे। तो ये रहा गाइस प्लान, तब अटैक करते हैं। आर्मी तो रेडी है, तो गाइस सबसे पहले हम सुपर वॉल ब्रेकर्स सुपर गॉब्लिंस डिप्लॉय करने वाले हैं। आईजी भी है तो आईजी यहाँ पर फ्रीज करने में काम आएगा, ताकि अपोनेंट क्वीन को भी ले लेंगे हम, साथ में एडी को भी। तो पहले हमने एडी एक ले लिया और अब सुपर वॉल सुपर गॉब्लिंस, ताकि हमारे हीरो सीधा आगे जाएं, भटके ना बाहर। तो दूसरा एडी ले लिया, यहाँ पर भी अर्चर टावर और एडी मिलेगा। तो ये हो गया गाइस, अब अच्छा फनल बन गया। तो आईजी पीछे, किंग क्वीन पीछे, यहाँ पर स्केल्टन्स हैं, स्केल्टन ट्रैप्स था। तो सुपर वॉल ब्रेकर, यस सुपर वॉल ब्रेकर सही डायरेक्शन में गया। अब हमारी क्वीन आगे जानी चाहिए, क्या पता अगर क्वीन आगे जाती है तो ईगल आर्टिलरी ले पाएंगे हम। नो, क्वीन हमारी बाहर गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ भी एक अच्छा फनल बन जाएगा और हमारे ड्रैग्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। 4 बंदे देख रहे हमें, तो गाइस अब हम ड्रैग्स डिप्लॉय कर देते हैं क्योंकि एक तरफ फनल अच्छा बन गया, क्वीन की एबिलिटी भी यूज कर ली गई है और क्वीन तो गई हमारी। तो इस तरफ स्टोन स्लैमर आर्टिलरी की तरफ जानी चाहिए। तो इन्फर्नो को हमने फ्रीज कर दिया, अब स्टोन स्लैमर ईगल आर्टिलरी की तरफ आई है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रो ड्रैगन जो अपोनेंट सीसी से निकला है और साथ में स्वीपर को फ्रीज कर दिया हमने। तो यहाँ पर साथ में रेज और वार्डन एबिलिटी, तो लग तो रहा है गाइस 3-star चांसेस हैं इस पे। यस, तो गाइस 3-star हो जाएगा क्योंकि बेस तो मैक्स नहीं था। अभी तक काफी सारे ड्रैग्स हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन है, काफ़ी सारे ड्रैग्स हैं गाइस और इलेक्ट्रो ड्रैगन तो गया, लेकिन अभी ड्रैगन्स काफ़ी सारे हैं तो 3-star हो जाएंगे। 96%, तो 100 जल्दी से हो जाए। फिर हम गाइस अब TH-13 पे अटैक करने वाले हैं बेस्ट, और कोशिश करेंगे 2-star और साथ में हमें मैक्सिमम परसेंटेज भी चाहिए। तो ये भी हो गया गाइस 3-star अटैक। तो गाइस अब अगर हम देखें अपोनेंट के नंबर 1 ने,
हमारे नंबर वन और टू पे ट्रिपल कर दिया है, और अब हमारी बारी है कि हम 3 स्टार तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 2 स्टार विद मैक्सिमम परसेंटेज कोशिश करेंगे। पर गाइज नंबर वन के लिए हमने बेस्ट प्लान बनाया है, यहाँ पर सुपर गॉबलिन्स 23 सुपर गॉबलिन्स लिए हैं, तो यहाँ पर गाइज हम प्लान के साथ अटैक करने वाले हैं ताकि परसेंटेज भी मिले। हमें सिर्फ 2 स्टार्स नहीं चाहिए, साथ में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम परसेंटेज मिले। हम क्वीन चार्ज करने वाले हैं, सुपर गॉबलिन्स 23 हैं, 9 बेबी ड्रैग्स और 4 रेज, 2 फ्रीज और सीसी में भी फ्रीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 फ्रीज हैं, 1 पॉइजन और सीसी में बैटल ब्लिंप और सुपर गॉबलिन्स ताकि हम टोन हाल ले पाएंगे। 3 रेज हम क्वीन पे यूज़ कर सकते हैं, 1 रेज जो हम बैटल ब्लिंप से टोन हाल लेंगे तो वहाँ पर भी फ्रीज और रेज यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरफ गाइस हम ईगल आर्टिलरी की तरफ से क्वीन चार्ज करेंगे, जितनी भी यहाँ पर गोल्ड स्टोरेजेस हैं, चाहे एलेक्सिट स्टोरेज है या कलेक्टर्स हैं, तो इन पे हम सुपर गॉबलिन से इनसे हम परसेंटेज लेंगे। तो गाइस यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो है ईगल आर्टिलरी की तरफ, इसको फ्रीज करके हम ले लेंगे। तो यहाँ पर सीसी भी हम ले लेंगे, तो इस तरफ बैटल ब्लिंप डिप्लॉय करने वाले 11 o'clock से। तो गाइस ये रहा प्लान, बाहर काफ़ी सारी यहाँ पर गोल्ड स्टोरेज, एलेक्सिट स्टोरेज, कलेक्टर्स हैं, तो परसेंटेज मिल जाएगी हमने, इसलिए हमने सुपर गॉबलिन्स लिए हैं। तो गाइस अब हम अटैक करते हैं और सबसे पहले क्वीन डिप्लॉय करते हैं, पीछे हीलर्स, तो इस तरफ स्पेल फैक्ट्री पे 1 बेबी ड्रैग ताकि क्वीन इस तरफ ना आए। 1 सुपर वॉल ब्रेकर के साथ हम एंट्री देंगे क्वीन को सीधा अंदर, और एक तरफ किंग। तो गाइज यहाँ पर पाथिंग बन गई है, क्वीन अंदर जानी चाहिए, यस अब लग रहा है गाइज क्वीन तो हमारी अंदर जाएगी। तो हमने किंग की एबिलिटी भी यूज़ कर ली, तो अभी तक गाइज परफेक्ट जा रहा है अटैक, परफेक्ट। तो यहाँ पर बिल्डर हट्स भी हैं तो परसेंटेज तो मिलेगी। अब सिंगल इन्फर्नो है, 1 रेज और फ्रीज और सीसी भी निकला है, पहले हम यहाँ पर मिलना चाहिए इन्फर्नो, तो इन्फर्नो मिल गया गाइस, तो अब सीसी इजली डाउन हो जाएगा। क्वीन अभी रेज के अंडर है, तो गाइस अब हम कोशिश करेंगे कि सुपर गॉब्लिंस डिप्लॉय करें, परसेंटेज मिले हमें, और देखते हैं अभी क्वीन हमारी कितनी देर तक रहेगी। अभी हम रेज कर सकते हैं यूज़, क्योंकि अभी हमारे पास 3 रेज हैं, 1 बैटल ब्लिंप, तो साइड्स पे गाइस सुपर वॉल, सुपर गॉब्लिंस डिप्लॉय कर दिए हमने, परसेंटेज मिलेगी। 2-2 हमने किए हैं, जो गोल्ड स्टोरेज है और एलेक्सिट स्टोरेज, यानी कि 2 सुपर वॉल ब्रेकर सुपर गॉब्लिंस से तो डाउन हो जाता है। तो साइड्स पर देख सकते हैं गाइस जितने भी बिल्डिंग्स थी वो हमें मिल गई, तो बेबी ड्रैग्स भी हैं अभी हमारे पास 5, लेकिन क्वीन तो हमारी गई गाइस। यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो ने पकड़ लिया था क्वीन को, और चलो अब बेबी ड्रैग ही डिप्लॉय करते हैं ताकि साइड से परसेंटेज मिल जाए, फिर हम बैटल ब्लिंप लास्ट में डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पर आरसी भी है, रॉयल चैंपियन एक तरफ, तो बैटल ब्लिंप हमने डिप्लॉय कर दी गाइस, स्वीपर को फ्रीज और टोर्नेडो ट्रैप निकला गाइस, शिट फ्रीज करना पड़ेगा टोन हाल को, 1 और फ्रीज, क्या मिलेगा हमें टोन हाल। और वार्डन हमने डिप्लॉय कर दिया था पीछे, वार्डन एबिलिटी के साथ मिल गया गाइस टोन हाल भी, तो ये काफ़ी बढ़िया किया, जो हमने वार्डन पहले यूज़ नहीं किया, पहले हम सोच रहे थे कि वार्डन को क्वीन के साथ डिप्लॉय किया जाए, तो अब हमारे पास कुछ बेबी ड्रैग्स हैं ये भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो 65% कितना मिल सकता है, और 66, 67, 68% के साथ गाइस यह अटैक फिनिश हुआ, तो काफ़ी बढ़िया 57 स्टार्स हो गए, और अब तो गाइस ये लगता है 70, क्योंकि 25 ही 25 और है, 74 स्टार्स हम कर पाएंगे। तो गाइस लास्ट में 74 स्टार्स किए हमने और अपोनेंट ने 73, वुड यू बिलीव इट गाइस,
73 एक स्टार के साथ ये विन किया हमने वॉर, और नंबर वन पे 74% किया था गाइस इसके बाद लास्ट में हमने, और सेम स्ट्रेटजी के साथ हमने 74% किया था। और देखिए यहाँ पर हमारे नंबर वन टू पे तो ट्रिपल किया था TH13 ने, लेकिन नंबर थ्री पे 99%, और काफ़ी अनलक्की मिसमैच तो था ये वॉर। और नंबर फोर फाइव पे भी अनबिलीवेबल गाइस, नंबर सिक्स पे 98%, तो 98-99% तो काफ़ी गाइस मिसमैच तो था, और साथ में हम लक्की भी हैं कि वॉर विन कर लिया और हमारी स्ट्रीक भी बच गई, और मज़ा आ गया गाइस। काफ़ी क्लोज वॉर रहा ये, 74 स्टार्स किए थे हमने, तो TH13 पे तो गाइस 3 स्टार नहीं हो सकता था, लेकिन 29 की स्ट्रीक हो गई अब हमारी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ले आएंगे कुछ लाइव अटैक्स, और देखते हैं गाइस